केडीएमएस के सईद साहब आए थे जो वरियल के असिस्टेंट थे उस वक्त, वो और दो तीन और उनकी गाड़ी के बंदे थे जो वहाँ की कार थी, वो सब आए थे यहाँ सर्वे करके गए, है ना। पैसे भी मुझसे मांगने लगे, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मेरे पास पैसे होते तो मैं कब का काम करा लेती, मैं पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। अभी शकील सिद्दीकी हैं, अभी गई थी आप? जी मैं अभी गई हूँ, एक हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते में मैं गई थी, तो शकील सिद्दीकी ने मुझे साफ इनकार कर दिया, कहने लगे, मैंने कहा सर आप ऐसे चलाते रहते हैं, ये कभी लेटर पकड़ा देते हैं, डिमोलिज ऑर्डर दे देते हैं, कहते हैं अब कह रहे हैं अभी भी नहीं हो सकता काम। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कह लेंगे जमील बिलोच ने कहा है कि आप गलत हैं। मैंने कहा ये आप सबका लिखा हुआ ना, ये सारे लेटर देखें, ये कमिश्नर साहब ने लिखा था, ये देखें लेटर उनको, मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखें, ये हमारे के औरंगी डिप्टी कमिश्नर ने लिखा वहां पर उनको, ये डिप्टी कमिश्नर का लेटर है। इन लोगों की कोई पावर नहीं है, इनके लेटरों में कोई जान नहीं है, यानी कि ये लोग जो कब्जा माफिया है ये इन लोगों से बालातर हो गए, इनके यानी कि इदारों में कोई पावर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, कोई भी नहीं है। कितना अर्सा हो गया इस पे कब्जा करके बैठे? कब्जा तो ये लोग तकरीबन बहुत पहले से बैठे हुए हैं, जब हम लोगों ने 20 साल हमें हो रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले से, लेकिन हमारी नॉलेज में ये नहीं था कि ये हमारा कार्नर है। जब मैंने अपना मकान नंबर इनके मकान नंबर पे लिखा हुआ देखा तो मुझे तश्वीश हुई, बिल भी हमारे घर ये लोग फेंक के जा रहे हैं, जो आते हैं कभी उनके घर फेंक देते कभी हमारे घर। तो मैंने जब देखा तो मैंने मालूमात की, जब मालूमात की तो उन्होंने कहा कि हाँ जी कि इन लीगल है। पहले भी 3 साल पहले भी ये केस मैंने जहाँ असिस्टेंट का कोई आसिफ नाम का था यहाँ का, वो सर्वे कर गया, उन्होंने भी जना, उन्होंने कहा जाओ अभी भी आपका काम हो ही नहीं सकता, जबकि सबको पता है, एक एक बंदा जानता है वहाँ का कि हाँ ये केस चल रहा है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो, केडीए में भी, कोरंगी एक्सीएन में भी, और डिप्टी कमिश्नर भी कोरंगी ढाई नंबर के, सब जानते हैं। लेकिन मैं आला हुकाम से और जितने भी हमारे ये इदारे हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, जहाँ तक भी ये मेरी अगर आवाज़ पहुँच रही है तो मेरी आवाज़ पर सुनी जाए और ये मेरा काम मसला हल किया जाए, ये कब्जा माफियाओं से मेरी जान छुड़ाई जाए, ये कमर्शियल पट्टी पर रह रहे हैं ये लोग कमा रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरा मियाँ बेरोजगार है, मैं बैठी हुई हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकती अपनी जगह पे, मेरी जगह पे गैर लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं। और इन लोगों को बोलो इनकी जो बेकरी में बंदे हैं वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, जो पंजाबी हैं, यहाँ के रिहायश हैं, यहाँ पर उन्होंने बेकरी भट्टी जो खोली है वो रिहायश है, वो बदतमीजी करते हैं मेरे साथ।